हेलो दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर अपने मोबाइल से कोई काम करते हैं और उसी टाइम किसी का कॉल आ जाता है, फोन आ जाता है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? जब आप अपने मोबाइल से कोई काम करें सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप अपने मोबाइल से काम करें, तो उस टाइम किसी का भी कॉल आपके मोबाइल पे ना आए, इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। या आप किसी से कॉल पे बात करते और आपकी झगड़े हो जाती है तो आप मोबाइल बंद करके रख देते हैं ताकि उसका कॉल ना आ पाए। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा, आपको मोबाइल बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका कॉल भी नहीं आएगा, आपका मोबाइल चालू रहेगा, आप नेट भी यूज करते रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का कॉल नहीं आएगा। आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल करेगा तो आपका फोन स्विच ऑफ बताएगा, बंद बताएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ कैसे होगा, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन एंड परमिशन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद सबसे नीचे में एक ऑप्शन है सिस्टम ऐप सेटिंग का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फोन का, इस पे आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिला है कॉल फॉरवर्डिंग का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप एक से दो सेकंड तक इंतजार कर लेंगे तो अब सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑलवेज फॉरवर्ड का, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कोई सा भी गलत नंबर डाल देना है या जो नंबर बंद हो गया है आपका, वो नंबर को आप डाल देंगे ताकि आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल करे तो आपका फोन बंद बताए और आप आसानी से नेट भी अपना चलाते रहेंगे, आप अपना सोशल मीडिया पर काम भी करते रहेंगे और आपके मोबाइल पे कोई फोन भी करेगा तो वो बंद बताएगा। तो यहाँ पे कोई सा भी एक गलत नंबर आप डाल देंगे तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल चुका हूँ। उसके बाद नंबर डालने के बाद यहाँ पे इनेबल पे क्लिक कर देना है एंड दोस्तों इसका काम खत्म हो गया। अगर आपके मोबाइल में ये सब ऑप्शन नहीं आ रहा है, इतना सेटिंग नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने फोन में जो फोन डायलर वाला एप्लीकेशन रहता है, ऑप्शन रहता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हर एक मोबाइल में अवेलेबल रहता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। कॉल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से वही सब सेटिंग आ जाएगी, आप देख रहे हैं मैंने जो नंबर डाला हुआ है अभी यहाँ पे शो कर रहा है, इसी तरह आप यहाँ पे नंबर डालकर यहाँ अपडेट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। सो दोस्तों काफी कमाल का है, इस तरह से आप अपना नेट भी यूज करते रहेंगे और किसी का कॉल भी नहीं आएगा, आपका किसी से झगड़ा हो गया आपको फोन बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सेटिंग कर देंगे वो फोन करता रहेगा, आपका फोन बंद होता है और आप नेट भी चलाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलती रहे।